Hi guys and welcome back to the channel. तो this is actually a guide which will help you become a better teammate. देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई मैच लूज़ करते हैं PUBG में तो हम अपने टीममेट्स को ब्लेम करते हैं कि भाई तेरी इस गलती की वजह से हम चिकन डिनर नहीं कर पाए या तेरी उस गलती की वजह से हम नहीं कर पाए. बट समवेयर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई मेरी भी कुछ ना कुछ तो गलती है, आप में भी कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं जो हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते. आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स ऐसे जो कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए फॉर बिकमिंग अ गुड लाइक एन आइडियल एंड रिस्पॉन्सिबल टीममेट. ठीक है, अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो तो आपके टीममेट्स कैसे हैं और आप खुद कैसे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दो. बिकॉज जस्ट बाय ब्लेमिंग ईच अदर वो हेल्प नहीं करेगा आपको. आपको एक पॉइंट पर जाके ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ठीक है मेरे टीममेट्स जैसे हैं वैसे तो हैं, लेकिन मैं जो मैं कैसा हूँ, मेरी कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, मेरे वजह से क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वी आर नॉट गेटिंग दैट चिकन डिनर. तो मतलब अच्छे से थरली डिस्कस करेंगे. मैं जिन चीज़ों को प्रैक्टिस करती हूँ एक सपोर्टिव एक बेटर टीममेट बनने के लिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सारी वीडियोज़ बनाती हूँ. तो आई जस्ट होप कि आपके लिए थोड़ी भी ये हेल्पफुल हो जाए वीडियो. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो नाउ. Alright, तो अपना फर्स्ट पॉइंट आता है फाइंड योर रोल विद इन द ग्रुप. सी PUBG मोबाइल इज अ मैसिवली डायनामिक स्ट्रैटेजी गेम, हम सबको पता है. वो हो सकता है कि आप स्नाइपिंग बहुत अच्छी करते हो या फिर अच्छे ड्राइवर हो, आपको पता हो कि किस मैप में मुझे किस तरीके से ड्राइव करना है, कहाँ पे रॉक्स हैं, कहाँ पे ट्रीज हैं, मुझे किस तरीके से अपनी व्हीकल को वहाँ से निकालना है. या फिर मतलब ऐसा हो सकता है दैट यू आर द गाय दैट नोज द होल फकिंग मैप एंड आपको पता हो कि कैसे सर्कल जब श्रिंक होता है तो आपको किस तरीके से वहाँ से उस सिचुएशन को टैकल करना है. आपको ग्रेनेड्स और स्मोक्स एक्यूरेटली थ्रो करना आता हो, आप बॉम्ब स्पेशलिस्ट हो, या फिर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हो एनिमीज पे फ्लैंक करने के लिए विद इन नो टाइम. नो मैटर व्हाट योर स्टाइल, यू नीड टू आइडेंटिफाई योर रोल. या आपको अपने ग्रुप में अपना रोल डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ मैं कहाँ पे फिट हो रहा हूँ, मैं कहाँ से एक ऐसे रोल को अडाप्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे बंदे मेरे पे काउंट कर सके कि हाँ भाई ये है अभी बंदा फील्ड में तो ये तो अपना निकाल ही लेगा चिकन. ये चीज़ होनी चाहिए आपके टीममेट्स को, आप पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर ये बंदा स्नैपिंग कर रहा है तो ठीक है हम एक प्लस पॉइंट है हमारे पास, अगर ये बंदा असॉल्टिंग कर रहा है या फिर एंट्री फ्रैगर है तो वी कैन काउंट ऑन हिम. ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपके टीममेट्स के दिमाग में. लाइक आपको क्या ऐसा कौन सा रोल है जो आपको बनाता है यूनिक एज अ गेमर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू स्टैंड आउट. अगर आपके स्किल्स हैं, आप किसी स्किल में बहुत अच्छे हो तो आपको चाहिए कि वो आपको आउटस्टैंड करे आपके टीम में. तो ये सारी चीज़ों पर आपको थोड़ा फोकस करना है, यहाँ भी पहले मेरा रोल तो मिल जाए मेरे को, फिर तो मैं आगे अपने स्किल्स को शोकेस करूँ या व्हाटएवर इट इज़. अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन. PUBG मोबाइल में कम्युनिकेशन एक बहुत एसेंशियल टूल है, उसे आप यूज़ नहीं करते हो या फिर करते हो टोटली आप पे डिपेंड करता है. सिर्फ एनिमीज़ की लोकेशन मार्क कर देना या फिर अपने बंदों के लिए चीज़ें मार्क कर देना, लूट मार्क कर देना इनफ नहीं है. आपको जब भी आप एनिमी स्पॉट कर रहे हो तो आपको अपने टीममेट्स तक वो चीज़ कन्वे करनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैंने इस लोकेशन पे इधर बंदे को इस हाउस में या फिर उधर मैंने कहीं पे भी स्पॉट करा है. क्योंकि देखो अगर बंदा मूविंग है तो आप कंटिन्यूसली टाइप नहीं कर सकते हो कि भाई बंदा इधर गया, भाई बंदा उधर गया, भाई हम पे कोई पुश आ रहा है या फिर कुछ भी. ठीक है, तो आप इससे कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दोगे अपने मेट्स के लिए भी, खुद के लिए भी. तो वो चीज़ मत करो, हमेशा माइक ऑन रखो. और अगर आपको लग रहा है कि आपके सराउंडिंग में बहुत नॉइसेज है और आपके मेट्स उससे कहीं ना कहीं अनॉय हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई माइक ऑफ कर दे, तो ऑफ़ करने से बेटर है कि आप पुश टू टॉक फीचर को यूज़ करो. पुश टू टॉक में सिंपली यही होता है कि जब आप माइक को प्रेस करोगे तो आपकी वॉइस जाएगी आपके मेट्स तक, जब आप रिलीज़ कर दोगे तो आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं जाएगी. मतलब जो भी एक्स्ट्रा नॉइसेज हो रही हैं उससे उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि वो एनिमीज़ का फुटस्टेप नहीं सुन पा रहे हैं या जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है उससे. तो प्लीज़ माइक ऑफ नहीं करो, हमेशा ऑन रखो. और अगर नॉइस है सराउंडिंग में तो पुश टू टॉक फीचर का यूज़ करो. अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑलवेज स्टे टुगेदर. जब भी आप टीम के साथ खेलते हो या फिर स्क्वाड मैचेस लगाते हो तो आप ट्राई करो कि आप सारे बंदे एक साथ रहो, एक सेम लोकेशन पे ड्रॉप लो, साथ में आसपास की लोकेशन में लूट करो. ये नहीं कि बहुत डिस्टेंट प्लेसेस पे लूट कर रहे हो, अपने मेट को सपोर्ट नहीं दे पा रहे हो जब उस पे कोई पुश कर रहा है तो. और जब भी आप किसी पे पुश कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि अपने टीममेट्स को कॉल दिए बिना नहीं जाओ, क्योंकि आपको ये पता है कि कई बार ऐसा होता है कि बंदे ऐसी लोकेशन होल्ड करके बैठे होते हैं कि वो आपको नॉक कन्फर्म कर जाओ
जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, वो एक ही हो सकता है या फिर पूरी टीम भी हो सकती है। तो हमेशा टीम के साथ रहो। एंड नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि हो सकता है कि आप अपने टीम के बेस्ट प्लेयर हो, आपको पता है कि आप एक स्क्वाड डाउन कर सकते हो, स्टिल आपके बिना आपकी टीम लाइक वीक हो जाएगी, और उनके बिना अगर उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा आपको तो आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। हो सकता है कि आपने स्क्वाड के तीन बंदे डाउन कर रखे हों और चौथा बंदा आपको मार जाए, आप 6 या 7 की KD लेके चल रहे हो और वो 1-1.5 KD वाला बंदा आपको मार जाए। कई बार ऐसा होता है, तो आपको अपने मेट्स के साथ रहना है। एंड इफ़ यू थिंक यू कैन सेव योर एस ऑल अलोन, तो प्लीज़ जाओ सोलो भी स्क्वाड खेलो। ऐसे टीम र्यून करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना अकेले ही भाग रहे हो, टेंशन दे रहे हो बंदों को, ये सब मत करो। आप अगर साथ खेलना है, मेट्स के साथ हो, तो प्लीज़ साथ रहने की कोशिश करो। अदरवाइज़ फिर तो और भी हैं, आप सोलो भी खेल सकते हो, आप सोलो भी स्क्वाड भी खेल सकते हो, सोलो भी डुओ भी खेल सकते हो। तो प्लीज़ साथ रहो अगर आप स्क्वाड मैचेस लगा रखे हैं आपने तो। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं, ऑलवेज़ गिव कवर फायर। अगर आपका टीममेट नॉक होता है तो उस पर स्मोक करने के साथ साथ द अदर थिंग विच यू नीड टू डू इज़ गिव कवर फायर। जिस डायरेक्शन से एनिमी के शॉट्स आ रहे हैं, आपको उसी डायरेक्शन में इमिजिएटली शॉट्स लेना स्टार्ट करने पड़ेंगे। अगर आप शॉट्स नहीं लोगे उन पर, तो वो ईजिली आपके टीममेट को ओपन फील्ड में नॉक कर कर कन्फर्म कर देंगे। आपको भी इक्वल प्रेशर क्रिएट करना है उन लोगों पे, क्योंकि देखो आपको ही पता है कि अगर 4 बंदे गेम के एंड तक अलाइव है, तो चिकन डिनर निकालना ज़्यादा ईजी होगा कि इंस्टेड आप 1 हो या फिर 2 हो। तो आप ट्राई करो कि जैसे ही आपका बंदा नॉक होता है, आप भी उसी डायरेक्शन में उन पर शॉट्स लेना स्टार्ट कर दो। इससे उनका पूरा का पूरा फोकस आप पे आ जाएगा और आपका मेट ईजिली कवर में आ सकते हैं। आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपको अपना कवर नहीं छोड़ना है, कि आप अपना कवर छोड़ दे रहे हो और आप नॉक कन्फर्म हो जा रहे हो। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ट्राई करना है कि आप कवर में रहते हुए किस तरीके से सामने एनिमी पे शॉट्स लेके अपने बंदे को कवर में ला सकते हो। Okay, so that's it for today, guys. And I know PUBG Mobile is a shooting game, but there is so much more into it than that. I mean, you don't have to be the guy in your group that can kill everyone. There are other very important role and objective things that you can do to make getting those chicken dinner that much easier. एंड आई जस्ट होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। अगर किसी भी एक पॉइंट से आप कहीं पे भी इम्प्रूव कर पा रहे हो, तो इस वीडियो का पर्पज़ फुलफिल हो जाएगा यार। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।